रात्रि के 8 बज चुके हैं और सजावट के काम पूरा किया जा रहा है। और एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ विद्यालय का। नमस्कार दोस्तों, बोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज चुका है प्रातः के 6:15 हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूं सस्ती पूजा के लिए। बैर के लिए फोन किए हुए थे तो आज जाके सामने से देख लेते हैं, कुछ अग्रिम राशि दे देंगे ताकि वो सही से काम कर सके, समय पर कर सके। और आज का मौसम आप देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल, तो चलिए बाइक से निकलते हैं जल्दी से। रात में हल्की फुल्की वर्षा हुई है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की वर्षा हुई है। अभी मैं अपने गांव के दूसरे छोर पर आ चुका हूँ और इधर अच्छी खासी वर्षा हुई है, ठंड भी काफी है। ठंड काफी होने के कारण अभी मैंने मफलर डाल लिया है, साथ में कैप भी लगा लिया। अभी मैं आ चुका हूँ बैर लेने के लिए, लेकिन जिनसे बात हुई थी तो अभी क्या है कि बैर पूरी तरह पका नहीं है, वही तो देखी ना पेड़ में है ये नहीं। अरे ये बोल रहे हैं तो बाजार जाइए। बैर की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी पका नहीं है। कहिएगा कि ज्यादा होना चाहिए तो हमारा मुश्किल लग रहा है, अब थोड़ा बहुत इधर नहीं कहिएगा तो काटकुम साड़ी बाजार में चढ़। अभी 7:45 बज चुका है और अभी निकलना है मुझे विद्यालय जल्दी से। और कुहासा देख सकते हैं उसी टाइप का है, लग रहा है जैसे अभी सुबह सुबह हुआ है। और यहाँ बेर की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, देखते हैं चतरा में अगर मिलता है तो ठीक है वहीं से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ गाँव में सस्ता और अच्छा बेर मिल जाता था, ताज़ा मिल जाता था। अभी हम विद्यालय पहुंचे थे कुछ देर पहले, क्लास व्लास चल रहा है और सुबह से वर्षा हो रही है। देख सकते हैं यहाँ रखा गया है सुस्वागतम लिख के जौ के पौधों से, बहुत प्यार लगता है सामने से देखने में। और अभी सजाने की तैयारी चल रही है, यहाँ हमारा झरना लगा हुआ है लेकिन पता नहीं कैसे हो पाएगा, ऐसे झरना है चलता रहेगा, लाइट लगाना पड़ेगा उसमें। और उधर तैयारी चल रहा है प्रसाद बनने का कार्यक्रम चल रहा है, अभी लोग लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में। और अभी वर्षा रुकी है, रुकने के बाद फिर से भैया लोग पेंट वगैरह काम सजावट काम पूर्ण करने में लगे हुए हैं जल्दी जल्दी। माता जी की मूर्ति आ चुकी है और यहाँ सजाने का कार्य चालू है। हम लोग प्रसाद के लिए गाजर और मटर लेने के लिए अपने गांव की धोर आए हैं विद्यालय से और अभी जा रहे हैं लेने के लिए। अभी वापस सारा सामान लेकर विद्यालय आ चुके हैं और ये लाइट को अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और जो लोकल छत्र के हैं आपके स्वागत के लिए हम लोग हैं, आप सरस्वती पूजा दिन अर्थात आज के दिन विद्यालय में जरूर आए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे, एक बार जरूर विजिट करें। रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब सजावट के कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एक बार पूरा व्यू देखिए आप विद्यालय का। अभी हम लोग वापस घर पहुंच रहे हैं, हम और सचिन जी हैं दो लोग। रात्रि कितना बज गया सचिन जी? 9 बज गया और प्रातः फिर हम लोग 7:15 बजे यहां से निकलेंगे।
अभी मैं सचिन को पहुंचा के आ चुका हूं और देखिए मेरे लिए क्या बन रहा है। ये है मक्के की रोटी ये और ये चटनी, सब्जी बचा है कि नहीं? और ये बचा है मेरी मस्त चटनी सब्जी और मक्के की रोटी। हालांकि मक्के की रोटी साथ साग होना चाहिए। चलो भैया लेके आओ। चलिए हमारा रात्रि का भोजन आ चुका है, भोजन करते हैं और वो भी टीवी देखते हुए। अभी रात्रि के 12:15 बज चुके हैं और मैं अपना एडिटिंग का कार्य पूरा कर चुका हूं और काफी थक भी गया हूं, तो जल्दी से मैं अभी इस वीडियो को अंत कर रहा हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार इसी तरह बरसाते रहिएगा। ब्लॉग में शुभ रात्रि, शुभ बाय बाय।